शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। क्या हुआ है नकुल? शायद आशी ने मेरा चेहरा देख लिया। क्या? तुम मरवाओगे क्या नकुल? फेस कवर नहीं करके गए थे क्या? ओह गॉड, अगर आशी ने तुम्हारा चेहरा देख लिया है ना तो तुम्हारे हाथ से तो विद्या जाएगी जाएगी। सिट के घर वाले मेरी और सिट की शादी भी कैंसिल करवा देंगे। कौन चाहेगा ऐसे बदमाश भाई की बहन उनके घर की बहू बने? फिर मेरा क्या होगा यार? सिट के बिना रहने का तो दूर, उसके बिना मैं जीने का सोच भी नहीं सकती हूँ। तुम्हारी स्टुपिडिटी की वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, मेरा प्यार छिन जाएगा मुझसे। और अगर मेरा सिट मुझसे दूर हुआ ना तो मैं बता रही हूँ नकुल, तुम्हारी खैरनी है। तूने देखा ना उसे? हम पुलिस के पास जाकर सब कंप्लेंट कर देंगे। तूने उसका चेहरा देखा ना? आशी, बता ना तूने उसका चेहरा देखा कि नहीं? कैसे बताएं हम तुमको? हमने उसका चेहरा नहीं देखा है, उसने अपना चेहरा पूरा ढक के रखा हुआ था। क्या? तूने उसका चेहरा भी नहीं देखा? आशी, हमें अभी बाबा के पास जाना होगा, बाबा को सब बता देंगे, बाबा फिर उस लड़के को ढूंढ निकालेंगे। चल तू मेरे साथ। दीदी नहीं, तुम रुक जाओ। ठीक, हमें बात को समझने की कोशिश कर। बाबा काकी बहुत परेशान है, तुझे पता है ना कॉलेज में जो सब कुछ हुआ। आशी पर ये हम ठीक है। दीदी आप अब ये सब कुछ पता चला ना उन्हें वो बहुत बहुत दुखी होंगे। मत कर दीदी, और तुझे पता है ना परसों विद्या की मंगनी है। काम कर रहे हैं, परेशान। मुझे पता है ये सबके पीछे कौन है। ये सबके पीछे ना वो सिड़ की गलती है। तुम उसके शोरूम में काम करती हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अगर इतने लेट नाइट अपने फीमेल स्टाफ को छोड़ रहा है तो देखे कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, ठीक से घर जा रही है नहीं। हम अभी उसको कॉल करते हैं। निधि, आशी अब तक घर पहुंच गई होगी, कॉल करके बता दो कि पर्स मेरे पास है। ये अननोन नंबर से किसका कॉल हो सकता है? हेलो, मैंने क्या किया? लापरवाही। आशी तुम्हारे शोरूम में काम करती है, तुम्हें जरा भी अकल नहीं है कि उसको अकेले घर नहीं भेजना चाहिए? कॉलेज में तो बड़ा अमनसिहा बनकर बनते हो, लड़कियों के बीच में हीरो बनते हो, सबको प्रोटेक्ट करते हो, सबकी केयर करते हो। और जो लड़की तुम्हारे शोरूम में काम करती हो उसके लिए तो तुम्हें कुछ नहीं लगता है, उसको अकेला घर भेज देते हो तुम। अरे शांत हो जाओ, पहले ये तो बताओ मैंने किया क्या है। आशी जब शोरूम से घर जा रही थी तब किसी ने उसी के साथ छेड़खानी कर दी। क्या? कौन था वो? आशी उसका चेहरा ही नहीं देख पाई। रात बहुत हो गई है, अकेले जाना सेफ नहीं है, अब मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। सेठ तुम आशी की चिंता मत करो, मेरा मतलब मैं आशी के घर की तरफ से ही जा रही हूँ, तो मैं आशी को ड्रॉप कर दूंगी। सेठ, सेठ क्यों फोन कर रहा है मुझे? गीत फोन क्यों नहीं उठा रही है? सिर्फ मुझे बार बार क्यों फोन कर रहा है? कहीं आशी ने उसे सब बता तो नहीं दिया? मुझे पूरा यकीन है कि आशी ने अब तक सिट को सब बता दिया होगा। और अगर आशी ने गलती से भी तेरा नाम ले लिया ना, क्या करूं मैं अब? नकुल, अगर आशी ने पुलिस कंप्लेंट कर दी तो तेरा सारा अकाउंट पकड़ा जाएगा, फिर मैं क्या करूंगी? मेरा सिट भी मेरे हाथ से चला जाएगा। नहीं, पुलिस तो नहीं? शांत हो जाओ, अब वहां कोने में जाके छुप जा। सिर तुम यहां?
कॉल नहीं पिक करोगी तो घर ही आना पड़ेगा ना। वो मेरा फोन साइलेंट पे था, कोई काम था तुम्हें? तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है? जब तुम्हें जिम्मेदारी निभानी नहीं आती तो लेती क्यों? मैंने तुम्हें क्या कहा था, आशी को घर पर ड्रॉप करके आना, और तुमने क्या किया, आशी को बीच सड़क पर अकेला छोड़ दिया। ओ कम ऑन सेट, मैंने आशी को उसके घर के पास वाली रोड पे छोड़ा है, उसका घर वहां से बहुत पास है और इतना तो वो वॉक करके जा सकती है। तुम्हें समझ आ रहा है तुम क्या कह रही हो? तुम्हें आइडिया भी है क्या हुआ आशी के साथ? किसी ने उस पर अटैक किया, छेड़खानी की उसके साथ। कुछ भी गीत, तुम्हें ऐसा उसके साथ नहीं करना चाहिए था, उसे बीच सड़क पर नहीं छोड़ना चाहिए था। हे भगवान, आशी ठीक तो है ना? कैसी है वो? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तुम सही कह रहे हो सेठ, मुझे आशी को उसके घर छोड़ना चाहिए था, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? हाँ बेचारी आशी पे क्या बीत रही होगी ना, मैं समझ सकती हूँ सेठ, जब एक लड़की के साथ ऐसा होता है तो उस पर क्या बीतती है। बट सेठ सच में मुझे नहीं पता था, प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। ठीक है, ऐसा पूछ लो। आशी ने देखा कि ये सब किसने किया था? मतलब मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अगर देख लिया होता तो हम पुलिस कंप्लेन करा सकते हैं ना? नहीं, वो उस आदमी ने अपना चेहरा ढका हुआ था। थैंक गॉड बच गई। मेरा लॉकेट कहीं वहीं तो नहीं गिर गया? थैंक गॉड। क्या? थैंक गॉड कि आशी सही है। मतलब आजकल लोगों की सोच तो इतनी गिर गई है कि कहीं अकेली लड़की देखी तो नियत फिसल जाती है, लड़कियां सेफ है ही कहां से। भगवान जाने बेचारी आशी पे किसने अटैक किया है। वो जो भी है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, पता तो मैं करके रहूंगा। तू इतनी जल्दी में का निकल गया? मेरा वो लॉकेट, शायद वो हाथापाई में वहीं गिर गया। इससे पहले कि वो किसी को मिले मैं जाके ढूंढ लेता हूँ। नकुल अपना लॉकेट भूल गया, ग्रेट, क्योंकि अब तो सिड भी इस मामले में इन्वॉल्व है। अब तो सब कोई आफत ना खड़ी हो जाए और ये नकुल ना पकड़ा जाए। यही कहीं होना चाहिए, यहीं पर तो आशी को मैंने कहाँ गई? आशी के बैग में तो नहीं चली गई? कोई आ रहा है।